नमस्कार, मुख्य समाचार में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हत्या का कारण बना मोबाइल, कोतवाली के कोतवाल साहब नहीं बरामद कर पाए आरोपी के पास से मोबाइल, क्योंकि मोबाइल बरामद होने से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि आजमगढ़ फूलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा टंगवा का मामला बताया जा रहा है। पीड़ित परिजनों ने आज फूलपुर कोतवाली पहुंचकर कोतवाल अनिल सिंह से लगाई न्याय की गुहार। हालांकि प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन आरोपी के पास से मोबाइल बरामद नहीं कर पाई है। हालांकि दर्जनों की संख्या में पहुंचे महिलाएं, हालांकि सच्चाई आपको बता दे कि ननिहाल में रह रही युवती का नाम सरोजा बताया जा रहा था। घर के परिजनों का आरोप है कि महीनों बीत जाने के बाद पुत्री का साव फूलपुर रेलवे पटरी के किनारे झाड़ के कुएं में मिला था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद फूलपुर कोतवाली के कोतवाल अनिल सिंह ने कहा कि युवती का हत्या नहीं हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार कुएं में गिरने से चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि जबकि घर के परिजनों का कहना है कि गांव के रहने वाले पंकज वे उसकी बहन ने हमारी पुत्री को दोनों लोग मिलकर हत्या कर दिए थे। हालांकि सत्यता का पोल खुल सकती है अगर मोबाइल बरामद हो जाए तो। हालांकि आरोपी के पंकज का कहना है कि मोबाइल हमारे पास है और मोबाइल को नहीं दिया जाएगा। हालांकि पंकज द्वारा गाँव के लोगों को धमकियां भी दिया जा रहा है। आरोपी पंकज ने कहा कि हमारा जो करना हो कर लीजिए, मोबाइल हमारे पास है। हालांकि हत्या के इस मामले में अगर पुलिस प्रशासन मोबाइल को बरामद कर सत्यता की जांच करेगी तो खुल सकती है पोल। हत्या करने वाले आरोपी हो सकते हैं गिरफ्तार। मोबाइल के जरिए कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, लेकिन फूलपुर की पुलिस प्रशासन चुप्पी साध कर बैठी हुई है। अभी तक आरोपी के पास से मोबाइल भी बरामद नहीं कर सकी, जबकि महीनों बीत चुके हैं। पीड़िता इतना गरीब है कि उसकी हालात देख कर लोगों को तरस आ रहा है। खाने के लिए घर में एक भी अन्न नहीं है। हालांकि घर का खर्च बाहर किस प्रकार चलता है एक गरीब से ही जानिए। आइए पूरा मामला ब्यूरो रिपोर्ट इन तस्वीरों को देखते हैं कि इस तस्वीरों में पीड़िता ने क्या आरोप लगाया है। कहाँ के रहने वाले? अच्छा, तो आज फूलपुर कोतवाली में क्यों आना पड़ा? कोतवाली दोनों पक्षों को बुलाए थे तो एक पक्ष आया था, एक पक्ष नहीं आया। अच्छा, कौन पक्ष नहीं आया? पंकज की बहन जो मोबाइल लेके रखी थी। अच्छा, वो नहीं आई? नहीं। और पंकज आया हुआ है? पंकज आया। तो यहाँ के कोतवाल साहब क्या आप बता रहे थे? आप कोतवाल साहब बोलते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलती है कि डूब के मरी। अच्छा जी, तो यहाँ से और कुछ भी आदेश पारित हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। ना पुलिस ने इसकी जानकारी लगा पा रही कि मोबाइल, एक लड़की, एक मोबाइल से दोनों लड़की बात कर रही थी, मोबाइल को निकाल सकती है पुलिस ने। अच्छा, तो क्या अभी तक जो मोबाइल से बातचीत किया जा रहा था, क्या वो मोबाइल अभी तक पुलिस प्रशासन ने बरामद किया कि मतलब छोड़ दिया गया? नहीं बरामद किया। और लड़की अभी गांव में बोलती है मोबाइल मैं रखी हूँ, और उसका भाई भी बोलता है। अच्छा, वो दोनों लोग जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। कौन कहता है? पंकज कहता है। वो कहाँ के रहने वाले? टेंगुआ के। अच्छा, टेंगुआ के रहने वाला कहता है कि मोबाइल हमारे पास है, जो करना हो कर लीजिए। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है? भाभी। कहाँ की रहने वाली? भाभी का नाम है। रहने वाली रुपाईपुर और घर टेंगुआ। अच्छा, सरोजा। अच्छा, तो आज ये फूलपुर कोतवाली में किस लिए आना पड़ा आप लोगों को? वही साहब, आना पड़ा कि यही हमारे लड़की के वही मोबाइल कारण सुगंधा, हमारी लड़की मोबाइल लगाए रही है अपने घर में, बस जौन पंकज के बहन सुगंधा मोबाइल लेके भागल, बस हमार बिटिया छोड़े लागल, बस जौन छोड़े लागल, छोड़ ना पौलो लेके भाग गई घर में धाई आई। अच्छा, फिर घरे के बाद फिर आई हमारी बिटिया पटक पटक मनी बहन भौजाई, मारे के बाद जौन कहा कि मनी कहा कि ऐसा करब ना, ऐसा करब कि तोहर चेहरा चिन्हाए में ना आई, जैसा कर तोहर चेहरा ना चिन्हाए ना तेमन तोहर झलक देखाई। हाँ, जवन होती ऐसा करब कि तुम्हें मम्मी मार के ठकवाई दे तोहर जौन झलक ना दिखाई। तो आज कोतवाली में थाने में फूलपुर कोतवाली में पहुंची तो यहाँ के कोतवाल साहब क्या कहे? कहें कि साहब ऐसा है कि लड़की कोई मारा नहीं गया है, उठ के मरी है। अच्छा, हाँ मानते नहीं हैं, सुगंधा भाई के और सुगंधा नहीं लगाते हैं, नहीं मानते। अच्छा, कहते हैं तुम्हारी बेटी कोई नहीं मारा है, उठ। तो आपका आरोप किस पे है? आरोप किस पे लगा रही हैं?
यही पंकज पे। अच्छा। पंकज के बहन सुगंधा यही मारा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मोबाइल का कारण है, यही मारा, यही मार किनारे में फेंके। आपका क्या नाम है, इनके साथ में हो? मेरा नाम अंकल चाची। अच्छा अच्छा। अंकल चाची हिला। हाँ। हम हुए लिए अपने भाई नवरे से रात में तीन साल का काम है। अच्छा। अब तुरंत आए के खटिया बैठा था ही। अब तब ले देखा था ही छोटिया ले आवत नहीं भैया। अपन दुआ मोबाइल छोड़ल कैले हैं। हमार बेटवा सोचल है कि मारे हम कहानी भैया जिन मारा नहीं तो तुम्हें तो जवान पंखा जवा हाँ फंसा गई कहीं हमार जवान बहन के ऐसे ऐसे करत रहा ये भैया तुरंत सुता गए हमारे बेटवा दुआर में ढकेल डाले दुआर में ढकेल डाले मोबाइल लेके घर में भाग गए मोबाइल धे के आए तो उठे भैया झगड़ा करके मार करके बताओ।